दिल्ली के वर्धमान रोड संलग्न गंगानगर मोड़ इलाके में आज एक ट्रक के धक्के से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम बलराम मिश्रा बताया जा रहा है। वहीं इस हादसे में एक बाइक और एक स्कूटी को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के संदर्भ में स्थानीय लोगों ने बताया कि बालू से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर गंगानगर मोड़ में एक व्यक्ति को धक्का मार दिया। इस हादसे में बुरी तरह घायल व्यक्ति को आनन फानन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही खालपाड़ा चौकी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, साथ ही ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है। दूसरी तरफ घटना की खबर मिलते ही दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार और वार्ड कोऑर्डिनेटर दुर्गा सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान रंजन सरकार ने मृतक के परिवार से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देखो खुबी दुखजनक घटना, दुर्गा আমাদের কোঅর্ডিনেটর ও খবর দিয়েছে, আমি ছুটে এসেছি, এসে দেখলাম এখনো পর্যন্ত ওই রক্ত পড়েছিল। আমি পুলিশকে বলে সেটা ধোয়ানোর ব্যবস্থা করলাম। যে ভদ্রলোক বলরাম মিশ্র, উনি ওনার পরিবার, ওনার পুত্র আমার খুবই পরিচিত, ওনারা এখন মেডিকেল কলেজে রয়েছেন। সকালবেলা 10টার সময় কেন এই বালিবোঝাই ট্রাক চলছিল সেটা তদন্তে দাবি জানাচ্ছি। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলবো, লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে বলবো যে যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায় তার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেটা অবিলম্বে না হোক। এবং এই যে আপনারা দেখছেন যে এই মেইন রোডের পাশে যেভাবে রাস্তাগুলোকে ছোট করে দেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি পুর নিগম কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान।